हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंप्रेसर मोटर यानी फ्रिज, एसी, डी फ्रीजर, किसी का भी कंप्रेसर मोटर टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा, जो परफेक्ट तरीका होता है। इसकी बाइंडिंग टेस्ट करने का मैं तरीका बताऊंगा कि इसकी बाइंडिंग, अंदर की बाइंडिंग सही है या गलत है, क्योंकि ये कंप्रेसर मोटर पैक रहता है, अंदर की बाइंडिंग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए डिजिटल मल्टीमीटर से इसका कंप्रेसर टेस्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए, मेरे सामने एक कंप्रेसर मोटर पड़ी हुई है, इसको मैं बता रहा हूँ कि ये कंप्रेसर मोटर कहाँ से चेक होगी और कैसे चेक होगी। तो देख रहे हैं, आपके सामने ये दिख रही है, ये कंप्रेसर मोटर के में तीन टर्मिनलें आउट हुई हैं, जो एसी सप्लाई को इन करती है। जो आप देख रहे हैं, ये तीन टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल नीचे है, दो टर्मिनल एक समान एक साइज में ऊपर है। तो कंप्रेसर मोटर में जो सबसे निचली टर्मिनल है, ये कॉमन पॉइंट है, इसे कॉमन पॉइंट कहते हैं। किसी किसी कंप्रेसर में ये कॉमन पॉइंट ऊपर भी रहती है, लेकिन इस कंप्रेसर मोटर में नीचे है। और जो एक समान एक बराबर के दूरी पर जो टर्मिनल रहती है, वो रनिंग स्टार्टिंग होती है, जिसमें दाहिने वाला यानी राइट साइड वाला रनिंग होता है। किसी भी कंप्रेसर में राइट साइड वाला रनिंग होता है और लेफ्ट साइड वाला यानी बाएँ साइड वाला स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। और सबसे नीचे जो दिया हुआ है, ये कॉमन बाइंडिंग है। तो आइए, इसे टेस्ट करने के लिए मल्टी डिजिटल मीटर का प्रयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है। मल्टी डिजिटल मीटर से इसका टेस्टिंग सही और एक्चुअल आता है। तो सबसे पहले मल्टी डिजिटल मीटर को रखेंगे किस पर, ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। इसको, इसका स्विच को, जो डायोड का ये पॉइंट आपको दिख रहा है, जिसे डायोड चेक किया जाता है, और इसमें बीप की साउंड भी आता है। दोनों मल्टी मीटर का दोनों वायर शॉर्ट करने से इसी टर्मिनल पर इसको रखेंगे। अब देखिए, मैं इसको डाइबोर्ड वाले कनेक्शन में इसको रख दिया, मल्टीमीटर को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। सबसे पहले कॉमन बाइंडिंग से रनिंग बाइंडिंग हम चेक करेंगे, कॉमन से रनिंग को चेक करेंगे। तो ये 25 बता रहा है, रीडिंग 25 बता रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25। और फिर कॉमन बाइंडिंग से स्टार्टिंग बाइंडिंग में चेक करेंगे, तो ये बता रहा है 17, 17 बता रहा है। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 42। तो अब दोनों, अब ऊपर वाले बाइंडिंग यानी रनिंग और स्टार्टिंग को, दोनों को चेक करने में ये 42 या 41 पॉइंट बताना चाहिए, तब माना जाएगा कि कंप्रेसर सही है। अन्यथा अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट का अंतर आएगा, यानी यहाँ रीडिंग 42 है, अगर ये 30 बताया या 60 बताया या और कुछ एक दो पॉइंट इधर उधर बताएगा तो चलेगा, लेकिन 10-5 पॉइंट का अंतर आएगा तो समझ लीजिएगा कंप्रेसर की बाइंडिंग शार्ट कर गई है। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ, ये कितना बता रहा है। देखिए 42 बता रहा है एक्चुअल, 41-42, इसका मतलब हुआ ये कंप्रेसर की बाइंडिंग सही है। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये कंप्रेसर की बाइंडिंग अर्थ तो नहीं है, इसके लिए कॉमन पॉइंट से और बॉडी में टच करेंगे। ये बॉडी है इसका, इसमें टच करेंगे। जैसे मैं यहाँ इसलिए टच कर रहा हूँ, तो यहाँ का निकल यानी पेंट उड़ी हुई है, बढ़िया से बॉडी से टच हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। अगर तीनों टर्मिनल से और बॉडी बता रहा है, कितना हो भी पॉइंट बता रहा है, तो समझ लिया जाएगा कि कंप्रेसर की बाइंडिंग बॉडी से स्टार्ट कर गया है, इसीलिए इसको ख़राब माना जाएगा। लेकिन ये बाइंडिंग देखिए बिल्कुल नहीं बता रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहा है, इसका मतलब हुआ ये कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा कंप्रेसर टेस्ट करने का तरीका दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।